नंबर वन, जिन्होंने ब्लू कलर का पॉट चूज करा है, फर्स्ट पॉट चूज करा है, तो अब अगर मैं बात करूं अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है, देखिए आप लोग वो लोग हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा टाइम तन्हाई में बिताया है, अकेलेपन में बिताया है, ओके। और ये एक ऐसा अकेलापन था जहां आप इमोशनली लोगों से कट थे, लोगों से सोशली तो ठीक है थोड़ा बहुत मिलते होंगे, बट इमोशनली आप बहुत लोगों से नहीं जुड़े हो, और जिसकी वजह से आप वो लोगों जो सबसे ज़्यादा अकेलापन और तन्हाई फेस करते हो, और इस टाइम पे आप लोग इस चीज़ के आदि हो चुके हो, अब आप वो बन चुके हो कि आपको अकेलापन अच्छा लगता है, ओके। जब आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे लोग आ जाते हैं जो बहुत ज़्यादा पार्टी करते हैं और बहुत ज़्यादा गॉसिपिंग करते हैं, आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जब आप अकेले थे तब आपका एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ओके। ये स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन स्पेशली आपके अंदर हुआ जब बहुत ज़्यादा डार्क फेस देखा आपने, मतलब जब आपके अंदर बहुत ज़्यादा इमोशन दबे हुए थे और कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था, ओके। देखिए मैं ये सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने आपकी लाइफ में एक ऐसा फेस देख रही हूँ जहाँ पे आप अकेले रो रहे हो और कोई आपके आसपास नहीं है, और उस टाइम पे इतना ज़्यादा आपके आसपास डार्क है कि उस चीज़ से, उस एक काली रात से आप उभर के आए हो। अभी भी उस टाइम से लेके अभी तक ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऐसे हैपनिंग लोग आ गए हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे लोग आ गए, नो। बट अब आप उस अकेलेपन में, उस तन्हाई में को तन्हाई में ना अपने आप को हैंडल करना सीख लिया है, अपने आपको पता नहीं है आपके अंदर इतने स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हुए, स्पेशली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप अंदर से अब खुश रहने लगे हो, ओके। आपके अंदर एक अजीब सी विजडम आ गई है जो लगता है कि ठीक है मुझे अब ज़्यादा, मतलब ना मैं अकेले बहुत खुश हूँ, और एक अंदर का एक वो होता है ना, मुझे लिटरली यहाँ पे लग रहा है कि एक आत्मा का जो अनुभव होता है, आत्मा का थोड़ा बड़ा वर्ड बोल दिया मैंने, बट फिर भी जब हम खुद के साथ रहते हैं और उसमें कुछ आनंद आने लगता है, कुछ कुछ टाइम में आपको एक आनंद की अनुभूति होती होगी। आप में से कुछ लोग मेडिटेशन, कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी कर रहे हो, आप में से बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल नॉलेज के नॉलेज, अकल, टैरो, एस्ट्रोलॉजी, इनके पीछे भी आप में से बहुत सारे लोग हैं, ओके। तो आप लोग एक्चुअली में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो चुके हो। आज से 2-3 साल पहले कोई आपको देखेगा और अभी आपको देखेगा ना, ठीक है, तो फेस वाइज हो सकता है वो इतना पता ना पड़ पाए, अगर पर अगर आपके साथ रहेगा ना वो धीरे धीरे समझ जाएगा कि आप पहले कैसे थे और अभी कैसे हो। पहले आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट थे, ओके, पहले आप बहुत ज़्यादा बाहर मुखी थे, बट आप धीरे धीरे अब अंतर्मुखी बन रहे हो, ओके। और ये चेंज आपके अंदर बहुत ब्यूटीफुल है। आइए देखते हैं कि अगस्त की एक ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी। लेट्स सी अगस्त की ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी, अगस्त की ओवरऑल एनर्जी कैसी रहने वाली है। ओके, ट्रिकरी, देखिए मैंने आपको कहा था ना कि आपके अंदर बहुत ज्यादा एक तरह का नॉलेज आ चुका है, विजडम आ चुकी है, या किसी चीज में आप मास्टर बन चुके हो, किसी फील्ड में आप मास्टरी की ओर जा रहे हो। तो पता है क्या हो रहा है, हो ये रहा है कि कुछ लोग जो सेंस कर पा रहे हैं, क्योंकि आप बाय नेचर तो भोले हो, ठीक है, इनोसेंट हो, और मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि कुछ लोग जो आपका कहीं ना कहीं से हो सकता है कि थोड़ा फ़ायदा उठाने के लिए आपके पास आने की कोशिश करें, आपको इन सब लोगों से बच के रहना है, ओके। किसी भी ऐसे लोग पे विश्वास नहीं करना है जो हो सकता है कि आपके पास आए, बहुत खुश खुश आए, या आपसे कुछ एक्सपेक्ट करें। देखिए ये ब्राउन कलर और ये ब्राउन कलर, ये आप हो और ये आप हो, ओके। और क्योंकि आपके पास एक विजडम आ चुका है, क्योंकि आपके पास एक वाइट लाइट आ चुकी है, जो उस पॉट में भी वाइट लाइट थी ना, ये वाली वाइट लाइट है, ओके। ये ब्लू कलर का पॉट जो आपने चूज़ किया था वो ये रहा, और वो विजडम आपके अंदर है, ओके। तो हो सकता है कि कुछ लोग नेगेटिव लोग अट्रैक्ट हो, ओके। और एक बात बोलूँ, जो अगस्त का महीना है, इट्स ऑल अबाउट इमोशनल लेवल पे, हार्ट लेवल पे ये गेम है, ओके। तो आपको
उस चीज़ों इन चीज़ों से बचना है, इन लोगों के साथ बहुत प्रोफेशनली डील करना है, जो ऐसे लोग जो आपको किसी प्रकार का ना आपसे कुछ नेगेटिव लेने आए हैं, नेगेटिव देने आए हैं, या आपके साथ कुछ चुराने आए हैं, या आपके साथ कोई एक पर्सनल फायदा देखते हैं। आइए देखते हैं ये लोग कौन है, लेट्स सी ये लोग कौन है। ओके एक टैरो से देखते हैं। ओके एक ये हो सकता है आपके फैमिली के ही लोग हो। ओके यस वो फैमिली के लोग हो और आपके पास आए कि तुम्हारे पास तो इतना सब है, तुम मुझे प्लीज कुछ हेल्प करो। ओके ओके बट ये लोग एक्चुअली में ऐसे हैं, पता है ये कैसे हैं? ऐसे मनी माइंडेड, ग्रीडी माइंडेड, इनको किसी प्रकार का कोई फायदा चाहिए, बट ये खुले दिल के नहीं है। ये आपको कुछ भी रिटर्न में नहीं देके जाएंगे, आपसे लेके ही जाएंगे और आपका नुकसान और चाहेंगे। मतलब इंटेंशन भी इन लोगों का कहीं ना कहीं खराब है, तो आपको इन लोगों से बच के रहना है। ओके आइए और देखते हैं कि जुलाई के महीने में कौन से आपके ग्रह, कौन सा हाउस एक्टिव रहने वाला है। ओके लेट्स सी। वीनस, वाओ दिस इज ऑसम। देखिए एक्चुअली है ना, आप लोग एक अबंडेंस के रास्ते पे हो, आप लोग ऐसे रास्ते पे हो जहाँ पे आपको एक बहुत ज़्यादा जो आपकी इच्छा है ना, इच्छा से रिलेटेड जो भी चीज़ है ना, वो मिल रही है, मिलती हुई दिख रही है। आप लोग एक्चुअली देखिए फिटनेस है ना, फेस वाइज ग्लो, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी इच्छा है, आप ज़िंदगी में जिस पे वर्क कर रहे हो, वो सारी अच्छी अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट होती हुई, अट्रैक्ट हो रही है आपकी लाइफ में। देखिए यहाँ पे भी वाइट लाइट दिख रही है मुझे, और ये जो वाइट लाइट है ना, ये आपकी वजह से, आपके ऑरा की एनर्जी, आपके ऑरा की एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल है। ओके कैरिज्मेटिक, कैरिज्मेटिक दिख रहा है, तो आप बहुत सारी चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हो, अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हो। ओके और क्योंकि कुछ लोगों की नज़र आप पे, वो देख रहे कि यार ये क्या हो क्या रहा है इसके साथ। ओके तो वो आपके इंटरोगेशन मतलब ना देखने के लिए, पूछने के लिए, अच्छा क्या हो रहा है, हो सकता है कि वो आपके पास आए। और तो अगस्त का महीना एक्चुअली अगर मैं बात करूँ तो कंफर्ट का रहने वाला है। अगस्त का महीना एक तरह से जो जो आप जिस मोटो पे लगे हो, जिस इच्छा के तरफ आपका ध्यान है, जो जो काम आप करना चाहते हो, उसकी तरफ कुछ कुछ चीज़ें आपको मिलेंगी, कुछ कुछ चीज़ें प्रोग्रेस मिलेगी। ओके आपकी हेल्थ अच्छी हो सकती है, आप कोई नई चीज़ें खरीद सकते हो। ओके ब्यूटी, लग्जरी से लेके कंफर्ट को लेके कोई भी ऐसी चीज़ें खरीद सकते हो। अपने फेस पे ग्लो का, फिटनेस का, किसी ऐसी चीज़ों पे आप खर्च कर सकते हो पैसा, या फिर आप और सुंदर, मतलब आप और सुंदरता की तरफ जा रहे हो अपनी लाइफ में। ओके आइए देखते हैं कि कौन सा हाउस एक्टिव रहने वाला है। कौन सा हाउस मतलब एस्ट्रोलॉजी में कौन सा हाउस एक्टिव रहने वाला है। ओके सी ये तो सेवेंथ है। ओके सेवेंथ एक्चुअली हाउस होता है लोगों की डीलिंग का। ओके सेवेंथ हाउस होता है पार्टनर का, सेवेंथ हाउस होता है स्पाउस का, सेवेंथ हाउस होता है लोगों से डीलिंग का। तो आप बहुत सारे लोग अट्रैक्ट कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में अभी जो काम कर रहे हो ना, मतलब या आपकी जो भी, आप अभी जिस भी लेवल पे हो, ओके तो अगस्त में आपका बहुत सारे लोगों से कॉन्टैक्ट हो सकता है, बहुत सारे लोग आपसे अट्रैक्ट हो सकते हैं। आप में से जो लोग सिंगल हैं, वो बहुत सारे ऐसे लोग अट्रैक्ट कर सकते हैं कि वो उन्हें बहुत पसंद करें। ओके बहुत ज़्यादा लाइकनेस दिख रही है लोगों की आपकी तरफ, और कुछ लोग आपको वैसा वाला भी पसंद करें। कुछ लोग हो सकता है आपको, आप चाहते हो कि सिंगल से आपको कोई मिले, आपको पार्टनर, तो वो भी मिल सकता है। बट लोग अट्रैक्ट होते हुए दिख रहे हैं स्पेशली अगस्त के टाइम पे मुझे। ओके आइए देखिए कि देखते हैं कि अगस्त में आपके साथ और क्या सबसे खास होगा। कंफ्यूजन। ओके व्हाई इज दिस कंफ्यूजन।
ओके रिजेक्शन एंड रिकवरी. वाओ दिस इज ऑसम. देन व्हाई इज दिस कंफ्यूजन? ओके देखिए, अगस्त में आपको ऐसा फील होगा कि यार मतलब मुझे मैंने अब तक लाइफ में कितना छोटा रही, मैं कितने छोटे लेवल लेवल पे मैं खेलती रही, मतलब मैं कितनी कम कम चीज़ों में अब तक खुश रही और मैंने कभी भी भगवान जी से शिकायत नहीं करी. ओके आपको ऐसा फील होगा कि यार अब तक मैंने जो लाइफ जी वहाँ पे मुझे कितने लोगों ने कितना ह्यूमिलिएट किया, कितने लोग मेरे मुंह पे आके मुझे कुछ भी बोल के चले गए, सब कुछ मेरे साथ खराब खराब हुआ और आप उन सब चीजों को एक्सेप्ट करते गए एक्सेप्ट करते गए. तो अब अगस्त में पता है क्या होगा, उन सब चीजों से रिकवरी होगी. अब आपकी खुद की एक मेंटल इमेज खुद के लिए कि नहीं मैं ऐसी वैसी नहीं हूँ कि मेरे को कोई भी रिजेक्ट कर दे, मैं ऐसी नहीं हूँ कि मुझे कोई कुछ भी बोल दे, वो सब चीजें अब आपके अंदर आएगी. ओके आपका एक सेल्फ एस्टीम सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. ओके आप उस रिन्यूअल के पाथ पे जा रहे हो. ओके आइए देखते हैं कि कौन सी खुशी मिलेगी अगस्त में. लेट्स सी. ओके सी देखिए यहाँ पे भी लोग लोगों की नजरें आप पे. मैंने कहा ना आप कोई ऐसा काम कर रहे हो प्रोफेशनली अगर, और इवन अगर आप घर पे हो तब भी लोगों की नजर आप पे रहेगी क्योंकि आप अपने लेवल पे ग्रो कर रहे हो. आपकी जिंदगी में जो भी जहाँ पे भी आप हाथ डाल रहे हो, जहाँ पे भी आप मेहनत कर रहे हो, वहाँ पे ग्रोथ दिख रही है. ओके या कुछ ऐसा काम करते हुए दिख रहे हो कि लोगों को अचंभा हो रहा है, लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं. ओके तो अगस्त में बहुत ज़्यादा पब्लिक डीलिंग मेरे को यहाँ पे दिख रही है. और देखते हैं, और इवन अगस्त का महीना मेहनत का भी है. पर देखिए वापस से लोग आ गए, थ्री ऑफ पीपल्स, थ्री ऑफ कप्स, और मेरे मुंह से थ्री ऑफ पीपल्स निकल गया. मतलब एक्चुअली में कुछ लोग तो आपकी फैमिली के हैं, देखिए नो डाउट सबके होते हैं, बट आपसे वैसे लोग भी अट्रैक्ट हो रहे हैं जो आपसे फ्रेंडशिप करना चाहेंगे, आपका दोस्त बनना चाहेंगे, आपसे कुछ चीज़ें गैदर मतलब ना एक्सचेंज करना चाहेंगे. ओके लेट्स सी और देखते हैं कि अगस्त में कौन सी खुशी मिलेगी. नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी नाइट ऑफ वॉन्ड्स. वाई मैं आज ऐसे क्यों बोल रहे हैं. एंड ओके थ्री ऑफ कप्स, वापस थ्री ऑफ कप्स बोला जबकि फाइव ऑफ कप्स है. ओके देखिए एक एक एज अ वार्निंग आई है आपके लिए कि आप किसी भी चीज में, किसी भी मकसद में, जो आपकी इच्छा है, जो आप काम कर रहे हो या कुछ भी ऐसी चीज है, अगर आप उसमें बहुत ज्यादा जल्दी भागोगे, जल्दी बड़ा करने का कुछ सोचोगे, जल्दी डिसीजन लोगे, जल्दी वो करोगे, तो वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा नुकसान दे सकती है. तो कहीं पे भी जल्दबाजी नहीं करनी है, सब चीज़ें आराम से हैंडल करनी है, क्योंकि आपके लिए मुझे एक लक अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे धीरे 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 खुलते हुए दिख रहे हैं, टक 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 ऐसे. ओके और लिटरली मेरे दिमाग में एक सोने की अंडे की, सोने का अंडे देने वाली मुर्गी याद आया. ओके वो रोज एक 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 देगी. ओके तो जो मिल रहा है आप उसमें खुश रहिए और उसी में ही आगे बढ़ते रहिए. एक साथ बहुत कुछ बड़ा करने का मत सोचना. ओके आइए और देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है अगस्त के महीने के लिए. आपके लिए क्या गाइडेंस है? एग्जॉशन, बहुत सारा काम, बहुत सारा हार्ड वर्क, तो आपको थकान हो सकती है. न्यू विजन, आपकी ज़िंदगी में कोई नया काम, नया प्रोजेक्ट, नया जॉब, नई चीज़ें खुलती हुई दिख रही है. और लेट्स सी, पता है आपकी लाइफ की मुझे ऐसा लग रहा है कि अब तक वैसी वाली ग्रोथ नहीं हुई और अब वो जो ग्रोथ है ना, अगर स्पेशली आप 40s के आसपास हो, 30, 40s, 50s के आसपास हो, तो वो चीज़ें अब खुलती हुई दिख रही हैं. लेटिंग गो द बर्डन. ओके देखिए आपको बोला जा रहा है कि कुछ ऐसी चीजें, पता है ये लेटिंग गो द बर्डन, अब ये बर्डन मुझे वो दिख रहा है टॉक्सिक पीपल. ओके टॉक्सिसिटी, आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग जो आपका खराब चाहते हैं, आपका बुरा चाहते हैं, आपको उनको अपनी जिंदगी से जाने देना है, क्योंकि वो लोग आपके ऊपर एक तरह से बोझ बने हुए, वो लोग आपसे बहुत कुछ निचोड़ेंगे और आप एक्चुअली में एग्जॉस्ट हो जाओगे. तो ऐसे लोग जो आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करें अपनी अपनी फील्ड में, या आप अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर रहे हो और लोग आपका आके
आपसे बहुत सारी चीजें चुराने वाली जो इंटेंशन होती है ना, वो चीज मुझे यहाँ दिख रही। तो आपको उन टॉक्सिक पीपल को अपनी जिंदगी में ज्यादा जगह नहीं देनी है। ओके गाइस, सो गाइस ये थी ग्रुप नंबर 1 की रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट हुई हो, और अगर रेजोनेट हुई हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय। हे ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने सेकेंड पॉट चूज करा है, जिसके अंदर भी बहुत सारे प्यारे फ्लावर्स हैं और जिसके बाहर भी बहुत सारे प्यारे फ्लावर्स हैं। तो अब अगर मैं बात करूं कि अगस्त का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, देखिए सबसे पहली बात, आप वो लोग हो जिनकी जिंदगी बहुत ज़्यादा बेहतर हुई है, स्पेशली इस इन कुछ 3-4 सालों में। इससे पहले आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा ट्रबल थी, और अब आपकी लाइफ एक्चुअली ऐसी है कि आपको रियल लाइफ के लेसन्स मिले हैं और अब आप जिंदगी को समझते हो। ओके, आपके ऊपर इतना वर्क किया गया है, आपको क्या लगता है कि आप भगवान जी का कुछ काम करते हो, भगवान जी से जुड़े हो और आपके ऊपर जो वर्क है वो अपने आप हो गया? नो, आपके ऊपर वर्क किया गया है, लिटरली वर्क किया गया है आपके स्पिरिट गाइड्स का और भगवान जी और बहुत सारे एंजल्स का। ओके, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके बहुत सारी चीज़ों, बिलीफ सिस्टम्स और बहुत इंटरनल जो कहते हैं ना चक्रास और वो जो सारी सुषुम्ना नाड़ी और उन सब चीज़ों पे वर्क किया हुआ है। ओके, और अब आप उस स्टेज पे आ गए हो कि आप उस जिंदगी के जो आनंद है ना उसको समझते हो, भगवान जी के साथ जो कनेक्शन है ना आप हर पल महसूस करते हो। देखिए जो फर्स्ट पाइल था ना, फर्स्ट पाइल अब उस स्टेज पे आया है कि उन्होंने बहुत प्रॉब्लम्स देखी, बहुत स्ट्रगल देखे और अब वो उस स्टेज पे आया कि वो अपनी जो एक अच्छी लाइफ का जो पार्ट होता है ना वो थोड़ा सा चखे। बट आप तो ऐसे लोग हो जो बहुत चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपकी लाइफ में स्ट्रगल नहीं है, आपकी लाइफ में स्ट्रगल हैं, प्रॉब्लम्स होंगी, छोटी मोटी चैलेंजेस होंगे, बट आप उन सबसे कहीं बड़े हो। और ये जो बड़ा बड़ा बड़े बने हो ना आप, ये भगवान जी ने बनाया, और भगवान जी ने सिर्फ ऐसे ही आपको आपके ऊपर वर्क नहीं किया है, भगवान जी का भी एक मोटो है। भगवान जी चाहते हैं कि आप बहुत सारे लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाओ, बहुत सारे लोग, क्योंकि आप वो ला सकते हो। ओके, आप वो एक स्पिरिचुअल टच भगवान जी के थ्रू, स्पिरिचुअल टच बहुत सारे लोगों की जिंदगी ट्रांसफॉर्म कर सकता है। ओके, बट मैं ये बात मान रही हूँ कि आपने अब तक अपने आप को रोके रखा है, आप अभी तक उस प्लेटफॉर्म पे नहीं आए हो जहाँ पे आपको आना चाहिए, उस प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे आपको एक कहते ना एक लीडर के फॉर्म में आना चाहिए और जहाँ पे आपको मतलब वो सब चीज़ें करनी चाहिए, अभी तक वो चीज़ स्टार्ट नहीं हुई है। और वो चीज़ स्टार्ट इसलिए नहीं हुई क्योंकि आपने ही अपने आप को रोका है। ओके, मैं देखना चाहूँगी कि मैं सबसे पहले ये देखना चाहूँगी ऐसा क्यों है, वाई इट इज़ दैट, आपको क्या चीज़ रोक रही है आगे बढ़ने से, मैं ये चीज़ देखना चाहूँगी। क्योंकि मुझे लिटरली ऐसा लग रहा है कि देखिए मैं पैसों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सक्सेस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ एक इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन की, जो बहुत बहुत रेयर होता है और जिससे ना हमें बहुत सारी अनुभूतियाँ होती हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, और वो एक्सपीरियंसेस से हमें बार बार याद दिलाता है कि हम भगवान जी के करीब हैं, हम भगवान जी के करीब हैं, हमारे साथ कोई शक्ति है। ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं थोड़ी महसूस होती होगी, बट मैं ये चीज़ देखना चाहती हूँ कि ऐसी क्या चीज़ है जो आपको रोक रही है कि आप उस प्लेटफॉर्म पर आओ जहाँ पर आप लोगों को देखिए आपकी ज़िंदगी जैसी भी है, जितना भी कमा रहे हो, आपकी लाइफ में जितना पैसा आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया है और आपको लगता है कि आपकी नियति में बस यही है। ओके, अच्छा मुझे ये भी दिखता है, समझ में आ रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि ठीक है ये छोटी सक्सेस मिली है या ये छोटा चीज़ मिली है, बस मैं इसी में खुश हूँ, तो आप आगे नहीं बढ़ रहे हो। ओके, आप बड़ा बड़ा नहीं खेल रहे हो, बड़ा खेलना मतलब पैसों के लिए नहीं, आप बड़े लेवल पे नहीं जा रहे हो, आपको जो चीज़ मिला उसमें खुश होके आनंद सेटिस्फाइड, बस दैट्स ऑल, और आपको लग रहा है कि मैं सेटिस्फाइड हूँ तो बस भगवान जी की भी ये इच्छा होगी। नो, भगवान जी की इच्छा है कि आप आगे बढ़ो। ओके, भगवान जी की इच्छा है कि आप और खुलो, आपके आसपास की ज़िंदगियाँ भी ट्रांसफॉर्म हुई है, ऐसी बात नहीं है कि आपके आसपास की ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म नहीं हुई है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आया है आपके आसपास के लोगों में, बट
वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो सिर्फ 1% है, आपके अंदर 100% है तो बाहर 1% है, और भगवान जी चाहते हैं कि बाहर भी 100% हो। ओके, तो उसके लिए आपको एक, मुझे लिटरली यहाँ पे दिख रहा है कि वो स्टेप्स लेने पड़ेंगे जो अभी तक आपने नहीं लिए। सी, परसिवरेंस, कंसिस्टेंटली वो चीज़ें करनी पड़ेंगी जो एक्चुअली में, देखिए रिजल्ट हो सकता है ना आए, थोड़े टाइम ना आए, कुछ टाइम ना आए, हो सकता है आप हारो थको, बट आपको बोला जा रहा है कि लगे रहो, लगे रहो। ओके, आइए अब मेन टॉपिक पे आते हैं कि अगस्त की एक ओवरऑल एनर्जी आप लोगों की कैसी है। मैं ये देखना चाहूँगी सबसे पहले अगस्त की ओवरऑल एनर्जी आप लोगों की कैसी है। ट्रैवलिंग, ओके, आई होप, पता है क्या हुआ था, पहले वाले पाइल में कार्ड्स ही बहुत सही नहीं दिख रहे थे, फर्स्ट वाले पाइल में सारी चीज़ें ना, मतलब कार्ड नीचे हो गए थे। अब आई होप मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँ। ओके, देखिए हो सकता है कि अगस्त में आप कहीं घूमने जाओ, अगस्त में हो सकता है कि आप किसी चीज़ की न्यू बिगनिंग है, ट्रैवलिंग तो मुझे दिख रहा है अगस्त में। ओके, और किस चीज़ की न्यू बिगनिंग है ये देखना चाहूँगी मैं। लेजीनेस नहीं नहीं, ये लेजीनेस की न्यू बिगनिंग नहीं है, ये लेजीनेस ख़त्म होने की न्यू बिगनिंग है। ओके ओके यस, मैंने कहा था ना कि आप वो बड़ा नहीं खेल रहे हो। ओके, आप बहुत छोटे में बहुत खुश हो रहे हो, तो भगवान जी यहाँ पे कह रहे कि अब जो चीज़ें अब तक आपने वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, मतलब कि अब आप उस, आपको बहुत सारा या तो काम मिलेगा या आप कुछ एक्टिवली कुछ चीज़ें इनिशिएट करोगे अपनी लाइफ में। ओके यस, राइटनेस, मैंने कहा था ना कि जो काम आपकी लाइफ में काम हो चुका है आपके ऊपर, ठीक है, अब आप उसके पीछे मत चाहिए कि कुंडलिनी जागरण और ये जागरण वो जागरण, बहुत मैक्सिमम हो चुका है आपकी ज़िंदगी, भले ही बाहर से लोगों को दिख रही है कुछ लोगों को, बट फिर भी आपकी लाइफ का जो चमन जो है ना वो खिल चुका है। ओके, जो भगवान इस जन्म में जो विजडम जो लेसन लेने आए थे आप, वो आप ले चुके हो, वो पर्पस एक तरह से मुझे लिटरली पूरा होता हुआ दिख रहा है, बट अभी आपका काम है कि उन चीज़ों को आगे बढ़ाना, क्योंकि आपने शायद कुछ और अच्छी चीज़ें करी और भगवान जी चाहते हैं। ओके, बट फिर भी मैं अभी इसी टॉपिक पे रहूँगी कि अगस्त में क्या चीज़ें होंगी। ओके, गिल्ट, ओके, व्हाई इज दिस गिल्ट, नथिंगनेस, कि मैंने अब तक नहीं कुछ क्यों नहीं करा। ओके, मैंने अब तक कुछ आगे क्यों नहीं बढ़ी, मतलब ना ये चीज़ें क्यों नहीं सोची, कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है। तो देखिए मैं सिर्फ ये कहूँगी कि अब टाइम गिल्ट का नहीं है, अब टाइम इस बात पे रोने का नहीं है कि मैंने अब तक लाइफ ऐसे क्यों बिताई, मैंने लाइफ में कुछ करा क्यों नहीं, बट अब टाइम है, अब आपका टाइम आया है ना, तो अब आपका टाइम है कुछ करने का। ओके, अब देखिए वो आप अपने लेवल पे कीजिए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे कोई कुछ भी समझे, लोग सोचे कि यार अब इसकी इतनी उम्र हो गई, अब ये क्यों कर रही है, या अभी इसको अचानक इतनी आग क्यों लगी है, ये क्यों लगा, लोगों को जाने दो, लोगों की बात पे विश्वास नहीं करनी है। ओके ओके, मैं और देखना चाहूँगी कि अगस्त में सबसे ज़्यादा आपका कौन सा ग्रह एक्टिव रहेगा, कौन सा हाउस एक्टिव रहेगा, ये देखना चाहूँगी। ओके, फिफ्थ हाउस, ओके, फिफ्थ हाउस पता है किसका होता है, फिफ्थ हाउस होता है मेरी लाइफ में, जब मैंने YouTube चैनल स्टार्ट किया था तब मेरा फिफ्थ हाउस बहुत एक्टिव था। ओके, फिफ्थ हाउस जब एक्टिव हुआ तो मैंने YouTube चैनल स्टार्ट किया, आप ये समझ लीजिए। तो अभी फिफ्थ हाउस मतलब होता है क्रिएशन का, फिफ्थ हाउस होता है क्रिएटिविटी का, फिफ्थ हाउस होता है जुगाड़ का, कहाँ से क्या लाना है, कहाँ से क्या बिठाना है, कहाँ से अपने पूरे दिन में मुझे अपने लिए टाइम निकालना है और कुछ बड़ा कर जाना है। ओके, देखिए योर ही, आपको दिख रहा है योर हीलिंग पावर, एम्पैथी टू टीच एंड लर्न रेमेडीज, अब मैं और क्या बोलूँ आपको, बताओ मुझे आप, दिस इज ऑसम, मतलब जो गाइडेंस इतनी क्लियर आ रही है। ओके, अब मैं देखना चाहूंगी कि अगस्त में आपके साथ क्या खास होगा, अगस्त में आपके साथ क्या खास होगा, द सन, वाओ, द सन एक्चुअली कार्ड है खुशी का, द सन कार्ड है अपने सोल पर्पस को पूरा करने का। ओके, द सन कार्ड है कि देखिए सूरज, पता है आपकी लाइफ में ना सूर्य, सूर्य ग्रह कब एक्टिव होता है, सूर्य ग्रह तब एक्टिव होता है जब आप अपने सोल पर्पस को बहुत पैशनेटली फॉलो करते हो,
कि बस मुझे ये करना है बाकी सब जाए, ओके वो चीज़ मुझे दिख रही है। आपकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी दिख रही है। आप एक डालोगे ना भगवान, आप एक स्पून डालोगे भगवान जी दो स्पून डालेंगे। आप स्टार्ट तो कीजिए, ये नहीं सोचना है कि नहीं कुछ नहीं होने वाला है। ओके ओ वाओ, सी एस ऑफ पेंटिकल्स एंड एट ऑफ वॉन्ड्स, ये इतने ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं यार। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में जो एक आशीर्वाद है ना, ग्रोथ है, ओके और इवन अबंडेंस है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। ओके फिर भी चलिए आइए, मैं देखना चाहूँगी कि अगस्त में और क्या खास होगा। अगस्त में सन, ओ देखिए कितने ब्यूटीफुल कार्ड्स गिर रहे, टेन ऑफ पेंटिकल्स, एक हैप्पीनेस, गेट टुगेदर, सेलिब्रेशन, और इवन एट ऑफ वॉन्ट्स ट्रैवलिंग का भी होता है, ठीक है, ट्रैवलिंग, प्रोजेक्ट्स कमिंग, ओके और किसी तरह से कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलना, कोई चीज़ें खुलना, जो आपकी इच्छा है उससे रिलेटेड कोई काम बनना। ओके आइए अब और देखते हैं कि कौन सी खुशी मिलेगी। मैं ये देखना चाहूँगी कि अगस्त में आपको कौन सी खुशी मिलेगी। सर्विस, देखिए जो काम आप अब तक नहीं कर रहे हो वो धीरे धीरे स्टार्ट करोगे, जिस कैसे भी, जैसे भी तैसे भी, ओके 1% स्टार्ट होना है, पर वो होगा, ओके और वो चीज़ अगस्त में भी मुझे दिख रही है। ओके और देखते हैं कि अगस्त में आपके लिए क्या है, अगस्त में किन चीज़ों मास्टर, अब आप बताइए मुझे। इस सेकंड पाइल के इतने ब्यूटिफुल कार्ड्स आए, मतलब मोरालिटी मास्टर। अच्छा एक चीज़ मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको ऐसा लगे ना कि यार, मतलब आपको दिल में कहीं डर हो कि यार है ना ये चीज़ मैं करूँगी तो लोग क्या सोचेंगे, या कुछ बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा दिख तो नहीं रहा, या बहुत ज़्यादा चीज़ें हो तो नहीं रही। बिल्कुल सही सही चलने के चक्कर में आप कुछ चीज़ें अपने आप के लिए, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ रोक लो, आपको नहीं करना है। आपको बिल्कुल बच्चों जैसे गेम खेलते ना, बच्चे जैसे गेम्स खेलते ना, आपको उसी फ्लो में जाना है। ओके बाकी सब आपके भगवान जी पे छोड़ दो, आपका तो भगवान जी के साथ इतना स्ट्रांग कनेक्शन है, वो सब संभाल लेंगे। ओके आपको बिल्कुल बच्चे को पता है क्या, बच्चे खेलते हैं तो उनको लगता है कि अच्छा मुझे टॉय मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, नो बस खेलना है, काम करना है। ओके जो चीज़ आपका पर्पस है वो चीज़ करनी है, और बिल्कुल मस्ती से करनी है। बिल्कुल बड़ों के जैसे ना, बहुत बड़े लोग सोचते हैं यार ये हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये सब चीज़ें नहीं सोचनी। ओके आइए देखते हैं कि किन चीज़ों का ध्यान रखना है अगस्त में, किन चीज़ों का ध्यान रखना है। ग्रैटिट्यूड, अरे यार ध्यान रखने में भी ग्रैटिट्यूड आ गया, मजे। ओके देखिए है ना, वाई इज दिस इम्पैस, मैं एक मिनट देखना चाहूँगी। ओके देखिए हो सकता है कि आप कुछ ऐसी चीज़ें करो कि आपको वो साथ, वो सपोर्ट ना मिले, स्पेशली उन लोगों का जिनसे आप चाहते हो। ओके तो आपको परेशान नहीं होना है कि यार ये साथ नहीं दे रहा मेरा, वो साथ नहीं दे रहा, इन लफड़ों में नहीं पड़ना है। आपको उनसे फ्रेंडली बिहेव करना है, उनका जितना उन्होंने जो भी किया उसका ग्रैटिट्यूड करना है, और आपको अकेले ही इस रास्ते पर चलना है। ओके अभी इस लफड़े में नहीं पड़ना कि कोई आ नहीं रहा, कोई नहीं आ रहा, क्योंकि वो जो आपका सोल पर्पस है वो उनका थोड़ी ना है, ये तो आपका सोल पर्पस है, आप ही को जाना है। ओके गाइस, सो गाइस ये थी ग्रुप नंबर 2 की रीडिंग, आई होप आपके साथ रेजोनेट हुई हो, और अगर रेजोनेट हुई हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय।